अभिमन्यु साले आवाज ही भूल गया, दिव्यांशु बोल रहा हूँ, कैसा है तू? हे दिव्यांशु, कैसा है साले? आज कैसे याद आ गई? बिल्कुल यार, कॉलेज याद तो तेरी यार बहुत आती है, पर इस कम वक्त वक्त को कोई रोके तो सही। ये तो बढ़िया क्या तुमने, और कहाँ? अच्छा सुन, गेस व्हाट, वी आर प्लानिंग अ गेट टुगेदर। हाँ मैं तो फ्री हूँ। गेट टुगेदर मैंने प्लान किया है ट्यूजडे और थर्सडे के बीच, सो दैट वहाँ पे वीकेंड है। मैं ये बोल रहा हूँ गेट टुगेदर कि हाँ काफी साल हो, ये मेरे देखो बोल रहा था कि काफी साल हो गया यार, अपन दोस्त लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, किसी के लिए किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है। सो मैंने सोचा एक गेट टुगेदर प्लान कर लिया जाए। यार ऋषभ, यार एक्चुअली उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तेरे पास है क्या उसका? मेरे को साइन कर यार। ऋषभ स्कॉलर ऋषभ, हाँ लास्ट वीक इनफैक्ट मेरी बात हुई थी उससे, सो ही वाज इन दुबई आई गेस, अभी तो आ गया होगा इंडिया, बात करूँ क्या? यार थैंक यू यार, एक्चुअली अपनी 3 डिग्री तो होनी चाहिए ना वहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर ओके, लेट मी चेक, देखता हूँ। ओके और बाकी दिव्यांशु लिसन, देयर इज अ प्रॉब्लम यार, शायद मैं ना आ पाऊँ शायद। अबे यार ये मत कर, अब क्या हो गया, क्यों नहीं आ पा रहा, क्या चीज़ हो गई मेरे भाई? आई हैव सम इश्यूज, आई विल लेट यू नो, बट स्टिल चल, आई ट्राई माय बेस्ट फॉर यू, डोंट वरी। अरे यार तेरे इशू का ना तू टिश्यू बना और मैं तेरी सारी प्रॉब्लम्स ना हैंडल कर लूंगा, तू आ रहा बस, एंड दैट्स इज फाइनल। ओके हां, ओके ओके, पैकिंग शुरू कर ले और मैं तेरे को एड्रेस सेंड करता हूं। भाई ये ट्यूब ब्रो, पाकिस्तान का बोर्ड नहीं है, शतरंज ही तो है। अरे यार तू चिढ़ क्यों रहा है? चिढ़ नहीं रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा परेशान। क्यों, क्या हो गया, परेशान इतना क्यों है? बस जिंदगी आजकल शतरंज बन गई, सिर्फ खेले जा,
पता नहीं जीतू मैं यहाँ। तेरी जलेबी जैसी बातें ना मुझे आज तक समझ में नहीं आई। सीधा सीधा बोलना हुआ क्या? सीधा सीधा ही तो बोलो। Remember school or your college, academics, sports, I was always on top, on the top. School में सब बोलते थे यार अभिमन्यु शर्मा will be our next superstar. He'll be interviewed within next upcoming 5 minutes. और देख आज भी इतना तो disappointed हो रहा है भाई। School time से मैं तुझे जानता हूँ, college time से भी मैं तुझे जानता हूँ। You were the most never give up attitude. You then what do you expect? Like literally man, this is what I supposed to do. I mean you look at you, you work at a salary of 3 lakh per month and I am Abhimanyu Sharma still works at a company just a accountant officer. This is what I supposed to do. Isn't ke liye abhi nahi gaya yaar. Yaar tu har cheez ko na बहुत ज्यादा ले जा रहा है भाई। सुन, अच्छा सुन, वो सोनम का क्या हुआ? सोनम? हाँ, you are no more together. We broke up. What? Broke up? Yeah, last week. मुझे लगा ही broke up पार्टी है। Sorry यार, मुझे पता ही था तुम अपना breakup हो गया। ये कब हुआ? और तूने मेरे को बताया क्यों नहीं साले? अबे तेरे को कौन बताएगा? एक अपने दोस्त का ब्रेकअप हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है? नहीं ये सीरियस है। तू शट अप यार, तू हरदम नशे में रहा कर। अबे भाई अब दारू लेके आ गया, अभी पिएगा नहीं क्या? दोनों दारू पी ले। अबे बहुत ही देख तुझे चढ़ रही है, थोड़ा चल। बात से दारू थी एक बात कुछ बुरा तो नहीं मानेगा तुझे? यही जगह थी गेट टुगेदर की और अचानक से गेट टुगेदर का प्लान? अरे वो एक्चुअली क्या है यार, कॉलेज के टाइम में अपने को इतने साल निकल गए। पर क्यों? एवरीथिंग वाज गोइंग टू गुड बिटवीन यू टू। क्या हुआ? सॉरी, लॉन्ग टर्म बेरोजगारी बीच में आ जाती है, मेरे को सोचने में वही रीजन था। सौतन बन के आ जाती है? अबे तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? मतलब तेरा और उसका ब्रेकअप हो गया और तूने मेरे को बताया भी नहीं, थैंक यू फॉर दैट। पर ऐसी भी क्या बेरोजगारी है? मतलब तेरा चल तो रहा है, तू कमा तो रहा है, ऐसा हुआ क्या तेरे लाइफ में? ऐसा जिंदगी में तो शतरंज है, जब से बड़ा हुआ खुद को अनाथ आश्रम में पाया, माँ बाप का तो पहले से नहीं पसंद है। और जिसे चाहा जिसे अपना आना चाहा वो सारा कभी अपना हुआ ही नहीं। सही बोल रहा है, जिंदगी होती तो बड़ी कुत्ती चीज है, एक पल में सब कुछ सिखा जाती है। Cheers, इस बात पे। कम। See ya, bro. Cheers. जिंदगी है कुत्ती चीज, सिखाती भी बहुत कुछ है। तो मुझे इस चीज की खुशी है कि तू तो है कम से कम। देखो कैसा लगा पार्टी का, और तू अंदर आया नहीं। पार्टी तो अच्छी है, एक बात पूछूं तुझसे? ये अचानक से गेट टुगेदर का प्लान ऑल सडन, वो भी इस जगह? बिल्कुल सही बोल रहा है, अपन अपने दोस्त लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे, साला किसी के पास किसी लिए कोई टाइम नहीं। तो ऐसे मेरे बहुत दिनों से चाह भी रहा था एक्चुअली, दिल में ख्याल है कि एक गेट टुगेदर कर ही लेते। लेकिन ये जगह क्यों? ये जगह यार ऐसी कैसे हो रहा है, ये जगह क्यों? क्या है इस जगह में, क्या प्रॉब्लम है इस जगह में? अपना कॉलेज का अड्डा हुआ करता था ये, भूल गया क्या? अच्छा पता आज बहुत अपनापन लग रहा है इस जगह। अच्छा पहले के दिनों में क्या पुराना पसंद लगता था? पहले के दिनों में आता था, पार्टी करते थे हम लोग, लेकिन जितना अपनापन जितना सुकून मुझे आज मिल रहा था पहले कभी नहीं मिला। इतना सुकून मिल रहा है। और भी कुछ सुना है मैंने इस जगह के बारे में? क्या क्या सुन के आ गया तू? सुने जगह भूतिया जगह है। सुन मेरी बात मजाक ले रही है। भूतिया? ओह माय गॉड, और कुछ सुना है इस जगह के बारे में?
मैंने तो ये भी सुना है पिछले 30 साल से यहाँ आत्माएं भटकती हैं। अच्छा हाँ यार आत्माएं तो भटकती है तो आत्मा आत्मा का नाम नहीं ले रहा वैसे कैसी बातें कर रहा है तू इन भूत प्रेत वालों की तू मानता है सब चीजों को यार मानता तो एक्चुअली क्या है जब से शादी हुई ना तब से मानने लग गया तेरी भाई तेरी भाभी मुझे भूत ही दिखता है तुझे मेरी बात अभी भी मजाक लगी ये तो बस सही बोला अरे अब तुझे हो क्या गया तू आज इतने दिनों बाद आया है हंसी मजाक की बातें कर इधर उधर की बातें कर तेरे लाइफ में क्या चल रहा है वो बातें कर भूत पिशाच आई मीन डू रियली थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर दिस आई एम नॉट किडिंग या यू नॉट सॉरी सॉरी ये क्या बोल रहा है बोल दे सुन जल्दी जा रे सुन सुन सही बोल बात समझ तेरे इधर जल्दी देख इसमें भूत आ गया अभी माता आई हुई है इसमें देख कैसे कर रहा है भाई किसकी माता मेरी बात है अच्छा सॉरी सॉरी की बात सॉरी सॉरी नो नो अच्छा बात सुना क्या चल रहा है और क्या स्पेशल प्लान किए तुमने इस गेट टुगेदर के लिए इस गेट टुगेदर के लिए यार पहले तो भाई साहब आप अंदर तो चलिए प्लान्स तो देखिए हमारे अंदर नहीं जाना है अंदर नहीं जाना है बाहर रहना है शतरंज अकेले खेलना है अकेले जीतना है सब कुछ अपना अकेले अकेले करना है बाजी चल ऐसा ना हो आज तू हार जाए देख बाजी का तो ये है अपन ऑल टाइम फेवरेट सबके रहे चेस में रहे और अपन जीतेंगे यही अब ये गेम पकड़ा है इसको ही हार जाऊंगा फिर तो उसके बाद खराब है ड्यू और अपना हाथी संभाल ले जाने वाला हाथी संभाल गया आज सुबह से क्या कर रहे हैं अरे सुबह 11 बजे से पूरा अरेंजमेंट किया है यार डीजे वालों को बुलाया सबसे पहले वो अपने बंड दोस्त पीने पिए बिना तो कोई पार्टी नहीं है बोल रहा था कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेडीज भी आ सकती है खैर वो शुक्र है लेडीज नहीं आई बट आ सकती थी तो सॉफ्ट ड्रिंक्स का बोल रहा था पर मतलब तो 11 बजे ही आ गया था आज 11 बजे से आया हूँ यार सारा झाड़ू कटका सब कुछ मैंने किया है आई मीन मैंने नहीं मतलब करवाया है नौकर वोकर को बुला के बट द थिंग इज जॉब की छुट्टी लेनी पड़ गई बॉस भी मारेगा चल छोड़ और अपने बाजू से मैंने वो कबाड़े थे अपने स्पीकर वगैरह जो कि अभी तक आए नहीं ज्यादा थोड़ा सा मैटर सॉल्व नहीं हुआ और यार काफी कुछ मेहनत करनी पड़ गई यार सुबह 11 बजे से आया हूँ और मतलब तू 11 बजे से आया आज सुबह 11 बजे से तू तुझे पता है मैं तुझसे भी पहले आया भाई साहब देखे तो नहीं एक मिनट हेलो जान से मेरा थोड़ी बात हो रही है हाँ जी बोलो ये नोएडा हाईवे काफ़ी नहीं है और ई कार्ड में अभी हम शर्मा कर रही और इसके आगे ही मैसेज पे आपका नंबर ही आया है दिव्यांश आज तो अकेला नहीं तेरे साथ जीत गया अभिमन्यु क्या चेक